Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking the lecture number 43 for the subject which is manufacturing technology. In the previous series of the lecture, we tried to understand about the various casting processes, right? And we completed all the 10 the different casting processes which is under the foundry technology as per your GTU syllabus. Now today we start the another new topic from your syllabus, which is about the casting defects and its remedies, right? आप जब भी किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर किसी तरीके की प्रोसेस करते हो तो उस प्रोसेस में जो है वो गलती होने की जो है वो गुंजाइश रहती है, राइट? और आपकी किसी भी एक गलती की वजह से जो है वो एक तरीके से डिफेक्ट जो है वो जनरेट हो सकती है. डिफेक्ट दैट इज द वर्ड दैट इज कमिंग ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, or we can say as the less of expertise you need in the processes and you are performing that processes, that is chances of the coming of the defects, that is not passing through the 100% assured product. So what kind of the defect which is coming during the casting processes, let's start the discussions on it and how to remove it. So a production of the casting is involved a large steps of including a casting design. जब भी आप casting की बात कर रहे हो तो उसके अंदर बहुत सारे जो है वो stages आते हैं, steps आते हैं. As it is a casting design, then it is a pattern making, then it is a molding, then it is a melting, then it is a puring, then it is a shake out, then it is a fettling, inspections and finishing. These are the steps of the process of the कास्टिंग. ये सारे स्टेप्स जो है ये कास्टिंग प्रोसेस के अंदर जो है वो किए जाते हैं. इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर वन और मोर ऑफ दिस स्टेप्स, राइट? इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर वन और मोर ऑफ दिस स्टेप्स टू बी परफॉर्म अनसेटिस्फैक्टरली ड्यू टू द यूज़ ऑफ द डिफेक्टिव मटेरियल्स और द इक्विपमेंट्स. ये सारे जो स्टेप्स है दिज आर नॉट द अनकॉमन स्टेप्स, एक या फिर ज़्यादा हो सकते हैं, राइट? अगर आपने किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म किया विद द अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशंस ड्यू टू द यूज ऑफ द, आप कहीं जगह पे ऐसा कुछ हो सकता है कि आप एक डिफेक्टिव मटेरियल को यूज़ करके या फिर डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स को जो है वो यूज़ करके आप जो है वो कास्टिंग प्रोसेस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? दैट इज द अनदर कंडीशन विच इज़ द केयरलेसनेस ऑफ द ऑपरेटर एंड ए लैक ऑफ द स्किल, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ऑफ द कमिंग ऑफ द डिफेक्ट्स ड्यूरिंग द कास्टिंग प्रोसेस. सच अनसेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन इज रिजल्ट्स इन अ डिफेक्टिव कास्टिंग. तो इसके अंदर जो है वो कुछ ऐसे अनसेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन जो है which is results in a defective casting which may be rejected at the time of the final stage. वो जो है वो आप उसको final stage पे जो है a such unsatisfactory operation which is results, ऐसे कुछ unsatisfactory operation which is result in a defective casting, वो जो है वो क्या करते हैं, जैसे आपने गलत material choose कर लिया, गलत equipment choose कर लिया, आपने carelessness से काम किया, आपने lack of skill के साथ काम किया, तो उस ये सारी condition जो है वो unsatisfactory operations जो है वो which is developing such as a defective casting and which may be rejected at the final stage. वो जो है वो सारी उस condition की वजह से जो है वो आपको final stage के ऊपर इस process के अंदर final stage में इस process के अंदर ये सारे parts को आपको final stage पे जो है वो आपको reject करना पड़ेगा. So there are the some of the common defects are described below, right? कुछ ऐसी common जो है वो defects जो है हम लोग यहाँ पे आपके साथ मैं आपके साथ जिसके नाम जो है वो मैं आपके साथ share कर रहा हूँ, which is A, open blows and the blow holes, right? इसको पहला जो defect है which is called as a open blows or we can say as a blow holes. Second, which is a pinhole porosity, दूसरा जो है वो pinhole porosity है जिसको बोला जाता है. थर्ड विच इज़ द एंट्रप्ट एयर
एंड अदर गैसेस, जिसको थर्ड जो है दैट इज द एंट्रप्ट एयर और द अदर गैसेस, फोर्थ वन विच इज ए क्रैक कास्टिंग, फिफ्थ वन इज ए बैंड और ट्विस्टेड कास्टिंग, फिफ्थ वन इज ए बैंड और ट्विस्टेड कास्टिंग, सिक्स्थ वन इज ए ड्रॉप्ड मोल्ड, जो छठा जो है दैट इज कॉल्ड इज ए ड्रॉप्ड मोल्ड, सेवन्थ विच इज ए फ्यूजन, एट विच इज ए स्वेल, नाइन्थ विच इज ए रन आउट, टेंथ विच इज अ मिसमैच, इलेवेंथ विच इज द मिश्रण एंड द कोल्ड शर्ट्स, ट्वेल्थ विच इज द श्रिंकेज फोल्ड्स. सो दिस आर द 12 डिफरेंट डिफेक्ट्स विच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द कास्टिंग. फ्यू आर अदर्स रिमेनिंग विच विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. सो 13 विच इज ए रेल टेल और वी कैन से एज अ बकल्स, वी कैन से एज अ बकल डिफेक्ट्स, और 14th विच इज द कोर शिफ्ट, 15th विच इज द इंक्लूजन्स आर द दिस वन, देन द 16th विच इज द कट्स एंड वॉशेस, जिसको कट्स एंड वॉशेस भी बोला जाता है, 17th विच इज द मेटल पेनिट्रेशंस, जिसको 17 जो है जिसको मेटल पेनिट्रेशंस भी बोला जाता है, 18th विच इज द हार्ड स्पॉट्स, 18th विच इज द हार्ड स्पॉट्स, 19th विच इज द स्कैब्स, एंड 20th विच इज द हॉट टीयर्स. सो दिस आर द डिफेक्ट्स विच इज forms during the casting operations. Now, based on this 20 defectives, we try to discuss the various most important or most commonly defect which is coming during the casting. Let's start the discussions over it. So, the first one, which is the mishran, or we can say is a cold shuts. A mishran is caused when a section thickness of the casting is so small. मिश्रण जो डिफेक्ट है वो कब डेवलप्ड होता है, जब आपका सेक्शन थिकनेस जो है वो कास्टिंग का जब बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, एंड और द प्योरिंग टेम्परेचर और द प्योरिंग टेम्परेचर इज सो लो दैट इज द एंटायर सेक्शन इज नॉट फिल्ड विद द मेटल सॉलिडिफाइड्स, राइट. मिश्रण जो है वो आप धीरे से समझने की कोशिश करिए. मिश्रण यानी एक आप देखिए आपके स्प्रू के अंदर से आपका लिक्विड मेटल जो है वो जैसे जैसे एंटर जाएगा गेट के थ्रू, जो है वो जैसे मोल्ड के अंदर एंटर करेगा, तो एक आपने एक इफ़िशेंट क्वांटिटी के अंदर सपोज आपने लिक्विड मेटल को प्योरिंग नहीं किया है, तो एक लास्ट वाला जो पोर्शन रहेगा वहाँ पे वो जो है वो खाली बच जाएगा, वहाँ पे जो है वो लिक्विड मेटल जो है वो प्योर नहीं हुआ होगा. उस कंडीशन को जो है वो मिश्रण जो है वो बोला जाता है. ए मिश्रण इज कॉज्ड व्हेन ए सेक्शन थिकनेस ऑफ द कास्टिंग इज सो स्मॉल, जब उसका कास्टिंग का सेक्शन थिकनेस जो है वो बहुत पतला रहेगा, और अ प्योरिंग टेम्परेचर, जब आप लो प्योरिंग टेम्परेचर के साथ आप एंटायर सेक्शंस के अंदर प्योरिंग करने की कोशिश करोगे एंड इट इज़ नॉट फिल्ड बिफोर द मेटल इज टू बी सॉलिडिफाइड, और वो तब तक जो है वो फील नहीं हुआ जब तक पूरा मेटल जो है वो सॉलिडिफाइड नहीं हो जाता है, दैट इज द कंडीशंस ऑफ द मिश्रण्स, राइट. नाउ द सेकेंड विच इज द कोल्ड शर्ट्स. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोल्ड शर्ट्स? ए कोल्ड शर्ट्स इज कॉज्ड व्हेन अ टू स्ट्रीम्स ऑफ द मेटल, जब दो मेटल की स्ट्रीम्स विच आर टू कोल्ड टू मीट बट डू नॉट फ्यूज टूगेदर, जब यहाँ पे दो स्ट्रीम में से आपका दो गेट जो है वो आपने दो गेट लगाए तो दो गेट जो है वहाँ से जो है वो लिक्विड मेटल का फ्लो आ रहा है, राइट. अब दोनों फ्लो आ रहा है तो एक एंड पे ऊपर क्या करेगा कि एक जगह पे दोनों जो फ्लो है वो मैच हो गए, तो अब उस कंडीशंस के अंदर ऐसा एक जो है वो पोर्शन बन जाएगा, ऐसी एक जगह बन जाएगी जहाँ पे जो है ए कोल्ड शर्ट इज कॉज्ड बाय व्हेन द टू स्ट्रीम्स ऑफ द मेटल विच आर टू कोल्ड, जब वो ज़्यादा ठंडी हो जाएगी दूसरे के कंपेरिजन्स में, बट इट इज़ डू नॉट फ्यूज टूगेदर, और वो एक साथ जो है वो फ्यूज़ नहीं होगी, उस कंडीशंस को जो है वो और उस कंडीशन के अंदर जो डिफेक्ट जनरेट होती है दैट इज़ ए कोल्ड शर्ट्स, जो एक लो टेम्परेचर की वजह से जो डिफेक्ट जनरेट हो रही है दैट इज कॉल्ड एज ए कोल्ड शर्ट्स. ए मिश्रण एंड ए कोल्ड शर्ट इज कैन बी मिनिमाइज बाय, जो मिश्रण है एंड कोल्ड शर्ट इज कैन बी मिनिमाइज बाय अ प्रॉपर डिजाइन ऑफ कास्टिंग. इसको किस तरीके से इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, तो आप मिनिमाइजेशन का इसका हाउ टू रेमेडी इट
आप कैसे इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। तो इसको अगर दूर करने की मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, दैट इज़ टू बी रिमूव्ड, दैट इज़ टू बी रिमूव्ड, इट इज़ मिनिमाइज बाय द प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ, अगर आप कास्टिंग की डिज़ाइन जो है वो प्रॉपर करेंगे तो ये डिफ़िकल्टीज दूर हो सकती है, विच इज़ प्रोवाइडिंग ए सूटेबल गेटिंग एंड राइजिंग। अगर आप प्रॉपर जो है वो गेटिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे, राइजिंग सिस्टम प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे और उसको सूटेबल तरीके से उसको वहाँ पर फिक्स करेंगे एंड यूजिंग द करेक्ट टेम्परेचर ऑफ द मेल्ट, और मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो आप करेक्ट यूज़ करोगे तो उस कंडीशन के अंदर जो है ऐसे डिफ़िकल्टीज आने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। नाउ द थर्ड डिफेक्ट विच इज़ द श्रिंकेज फोल्ड्स, ए श्रिंकेज फोल्ड्स आर द फोल्ड्स विच इज कॉज्ड बाय द इम्प्रॉपर डिरेक्शनल सॉलिडिफिकेशंस। यानी श्रिंकेज, हमने जब अलाउंसेस पढ़े थे तब अलाउंसेस के अंदर पैटर्न के ऊपर जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं ना, अब जिस जिसको वो लेक्चर्स याद होगा तो फिर डिफ़िकल्टीज कम होगी। श्रिंकेज जो है वो बेसिकली जनरेट क्यों होता है, डेवलप्ड क्यों होता है, क्योंकि आपका इनप्रॉपर डिरेक्शनल सॉलिडिफिकेशंस जब होता है, राइट, एक यूनिफॉर्म वे के अंदर आपका सॉलिडिफिकेशंस नहीं होता बट इनप्रॉपर सॉलिडिफिकेशंस होता है, तो फिर मेटल जो है वो श्रिंक होने की कोशिश करता है। सो अ श्रिंकेज फोल्ड्स आर कॉज्ड बाय द इनप्रॉपर डिरेक्शनल सॉलिडिफिकेशंस, poor gating and rising design and the inadequate fittings. जो shrinkage folds are the folds, वो जो है वो एक तरीके के ऐसे folds हैं which is caused by the improper directional solidifications, which is the caused by the, एक तो वो generate होता है improper directional solidifications से, poor gating की वजह से, poor rising design की वजह से और inadequate fitting की वजह से आप proper जो है वहाँ पे metal को जो है fit नहीं कर रहे। तो the solidification is leads to the volumetric constructions, यानी इसको shrinkage बोला जाता है, contractions होगा ना इसी वजह से, which must be compensated by the fitting, आप उसको थोड़ा extra fitting करके compensate कर सकते हैं। If this compensation is inadequate, either the surface shrinkage or the internal shrinkage defects are produced, making the casting, it is weaker casting. A shrinkage folds is can be reduced by, a shrinkage fold is can be reduced by providing a proper gating system, जिससे आप जो है वो proper gating system use कर सकते हैं, puring at a correct temperatures and taking a care of the directional solidifications. A shrinkage fault is can be reduced by, shrinkage fault जो है वो आप किस तरीके से reduce कर सकते हैं, by providing the proper gating system, आप proper gating system को use करके कर सकते हैं, puring at a correct temperature, आप correct temperature के ऊपर pure करके कर सकते हैं, and taking a care of the directional solidifications, आप proper जो है वो directional solidifications का use करके इस चीज़ को remove कर सकते हैं। Now the next which is the cuts and washes. Now what is the meaning of the cuts and washes? A cuts and washes are caused by the erosion of the mold and the core surfaces by a metal which is flowing in the mold cavity. A cuts and washes are caused by the erosion of the mold. जब mold जो है वो erode हो जाएगा, घिस जाएगा पूरी तरीके से, and a cored surfaces, right? वो surfaces cored हो जाएगी by the metal flowing in the mold cavity. ये चीज़ होती क्यों है, जब हम लोग metal जो है वो liquid metal, molten metal जो है वो एक forces के साथ जो है और temperature के साथ जो है हम लोग जैसे mold के अंदर puring इसका करते हैं, तो फिर ये difficulties होती हैं। दिस डिफेक्ट्स आर एवॉइडेड बाई अ प्रॉपर रैमिंग, ये डिफेक्ट जो है वो किस तरीके से एवॉइड की जा सकती है, दिस डिफेक्ट्स आर एवॉइडेड बाई ए प्रॉपर रैमिंग, इसको आप प्रॉपर जो है वो रैमिंग करके दूर कर सकते हैं, विच इज हैविंग अ सैंड ऑफ अ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड कंट्रोलिंग ए टर्बुलेंस ड्यूरिंग द प्योरिंग। दिस डिफेक्ट्स आर एवॉइडेड बाई ए प्रॉपर रैमिंग, हैविंग अ सैंड ऑफ अ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ and controlling the turbulence during the puring. Now the metal penetrations, now what is the metal penetrations? If the sand grains is used are very coarse,
If a sand grains is used, a very coarse, जब आपके sand जो grains हो गए वो आप जब use कर रहे हैं वो अगर बहुत ज़्यादा coarse हो गए, और a metal poured has a very high temperature, जब आप metal जब है उसका melting temperature जो है वो जो आपका purifying temperature है जो वो बहुत ज़्यादा होगा. The metal is able to enter the spaces between the sand grains to some distances. Such sand is become tightly welded in the metal and is difficult to remove. और इसको जो है वो difficult है remove करना. The remedy is to remove the causes mentioned which is above. आप जो है वो fine grain जो है वो sand use करके और proper adequate temperature के साथ वहाँ पे puring करके इस difficulties को जो है वो आप remove कर सकते हैं. So this is the solutions of the metal penetrations. Now the hard spots, जो flashes तरीके के जो dots जो है वो developed होते हैं ना, वही चीज़ है वो. A hard spots are caused by a chilling actions of the molding sands in the same metals like grey cast irons with the insufficient of the silicon. जो hard spots है are caused by the chilling actions of the molding sand. Molding sand के अंदर जो chilling actions होता है उसकी वजह से ये developed होता है. ज़्यादातर जो है वो grey cast iron के अंदर जो insufficient amount of the silicon रहता है उसकी वजह से ये conditions जो है वो developed होती हैं. These spots are extremely hard and often leads to the मशीनिंग डिफ़िकल्टीज. ये जो हार्ड स्पॉट्स जो बन जाते हैं वो इतने डिफ़िकल्ट इतने हार्ड होते हैं कि इसको आपको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मशीनिंग जो है इस कंडीशंस को लीड करना, दैट इज़ अ वेरी बिग इश्यूज ड्यूरिंग द प्रॉब्लम्स, राइट. इसको आपको रिमूव करना जो है वो मशीनिंग के साथ जो है वो काफ़ी आपके लिए डिफ़िकल्टीज क्रिएट करती है. सो ए हार्ड स्पॉट्स आर एवॉइडेड बाय प्रोवाइडिंग ए यूनिफॉर्म कूलिंग. ए हार्ड स्पॉट्स आर एवॉइडेड. हार्ड स्पॉट्स जो है वो आप एवॉइड कर सकते हैं बाई प्रोवाइडिंग ए यूनिफॉर्म कूलिंग एंड प्योरिंग एट ए राइट टेम्परेचर. ए हार्ड स्पॉट्स आर एवॉइडेड बाई प्रोवाइडिंग कूलिंग एंड प्योरिंग एट ए राइट टेम्परेचर. राइट, आप राइट टेम्परेचर के ऊपर जो है वो कूलिंग और प्योरिंग करके आप जो है इस चीज़ को आप रिमूव कर सकते हैं. नाउ The next defect which is the scabs. Scabs are rough, irregular projections on the surface of the casting which is containing the embedded sands. जो scabs है वो एक rough हो गए, irregular projections के साथ हो गए. On the surface of the casting, casting के surface से इसके ऊपर एक rough irregular projections के साथ जो चीज़ developed होती है that is called as a embedded sand के साथ जो developed होती है that is called as a scabs. Scabs occur when a portion on the face of the molds or core is lift, the metal flows underneath in the thin layer. They are caused by using a too fine sand grains or using a sand of a low permeability or a moisture contents. They may also be caused by the uneven mold ramming or by the intense local overheatings. Now the hot tears. A hot tears are rackets of the irregular internal or external cracks. इसकी वजह से जो hot tears है इसकी वजह से एक cracks internal या फिर external cracks developed हो सकते which is occurring immediately after the metal have to be solidified. जैसे ही मेटल जो है वो मोल्ड के अंदर सॉलिडिफाइड हो जाती है तो उसके बाद जो है वो इंटरनल या फिर एक्सटर्नल सरफेसेस के ऊपर अंदर जो क्रैक्स जो डेवलप्ड होती है दिट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द हॉट टीयर्स. ए हॉट टीयर्स आर अकर्स ऑन ए पुअरली डिजाइन कास्टिंग विच इज़ हैविंग द एब्रप्ट सेक्शन चेंजेस और हैविंग नो प्रॉपर फिलेट और ए कॉर्नर रेडियस which is wrongly placed in the chills. जो hot tears है which is occur on a poorly designed casting, ये जो है वो एक poorly designed casting होता है उसकी वजह से, और which is having the abrupt section which is changes or having a no proper fillets or a corner radius which is wrongly placed by the chills. A improper placement of the gates and riser or a incorrect puring
temperatures is can be produce the hot tears. The improper placement of the gate and riser or incorrect curing temperature can also produce a hot tears. So this is the indications or schematic diagrams of the hot tears which is generated due to that reason, or this is the defects we are discussed which is coming during the casting processes and how to remove that defects. We are also discuss its remedies steps during this lecture. I hope you understand all the casting defect. Normally in the examinations they are asking the defect questions in the 3 to 4 marks, right? They can give the three names of the defects and you have to elaborate these three defects, or either they can also ask in the way in the form of that you have to just discuss about the three different casting defects. So there is a two choice: either they can give the name of that defects and you have to elaborate, or either they can give your liberties, right? Give you the liberties, you have to explain or you have to describe the three the defect which is you known which is coming into the casting processes. So this is all about the casting defect which is coming during the casting process in the whole 10 type of the casting processes. So I hope you understand very well this defect portions. If you have any kind of the difficulties in this lecture, you can ask your queries and questions into the comment sections. I will definitely solve your queries and questions into the next series of the lectures. So this is all about today's lecture. After watching this video lecture, you have to write down your enrollment number into the comment section, so which is counted as your online attendance. So this is compulsory for all the students. Thank you so much for watching this video lecture.